बोयब की शिकस्त मामूली हादसा नहीं था। दरबारी ईरान पर औस पड़ गई। मेहरान जैसा आजमूदाकार जर्नैल सरे मैदान कतल हुआ। ईरानी लश्कर में से एक सिपाही भी जिंदा न बचा। ईरानी मुदब्बर सर जोड़ कर बैठ गए। आखिर इस नतीजा पर पहुंचे कि हमारी शिकस्तों का बाइस मलेका है। अगर कोई मर्द हुक्मरान होता तो ये दिन देखना नसीब न होते और ईरान की इज्जत और वकार पर ये दाग न लगता। बड़ी सोच विचार के बाद खुरासान से रुस्तम को बुलाया गया। उसकी बहादुरी और महारत जंग के अफसाने ईरान में मशहूर थे। रुस्तम ने आते ही मलेका को माजूल किया और फिर तलवार के घाट उतार दिया। अब तख्त खाली था। खुसरो परवेज के बेटे शेरविया ने शाही खानदान के शहजादों को तलवार का लुकमा बना दिया और बजाहिर कोई शहजादा जिंदा नहीं था। आखिर बड़ी जुस्तजू और तलाश के बाद मालूम हुआ कि खुसरो परवेज का एक पोता अस्तफर में छुपकर जिंदगी के अयाम पूरे कर रहा है। उस शहजादे का नाम यजद गर्द था। रुस्तम उसे मदाइन लाया और बड़ी इज्जत से तख्त पर बिठा दिया। यजद गर्द की उम्र उस वक्त 21 साल थी, मगर अकलो फिक्र में जवानी के साथ बुढ़ापा भी शामिल था। उसने तख्त पर बैठते ही बहुत जल्द मुल्की इंतजामात में इस्तेहकाम पैदा कर दिया और ईरानियों के मुद्दा जोश को नई जिंदगी अता की। हर तरफ ईरानी अजमत के गीत गाए जाने लगे और मुल्को कौम के लिए जान इसारी के वलवले पैदा हो गए। यजद गर्द ने रुस्तम को सिपा सालार बनाया। सारे मुल्क से बहादुर और मशहूर तैगजन जमा किए, बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली और हुक्म दिया कि अरबों को ऐसा पीसें कि उनकी हड्डी तक न मिल सके। रुस्तम अपने इस एजाज पर फूला न समाया। उसने बादशाह से वादा किया कि अरबों को खत्म किए बगैर वापस न आएगा। फौज की कमान संभाली और मजीद तैयारी में मसरूफ हो गया। उसने अपने जासूस सारे इराक में फैला दिए ताकि मफ्तूहा अरब इलाका में बगावत पैदा करें। उन जासूसों ने सारे इराक में धूम मचा दी कि रुस्तम बहुत बड़े लश्कर के साथ आ रहा है और अब अरबों का नाम लेने वाला कोई बाकी न रहेगा। मसना रजी अल्लाह अन्हो ने ये खबरें सुनी तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो खलीफा सानी को लिख भेजा कि ईरानी इस दफा बहुत बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं। 160,000 की जमीयत तैयार हो चुकी है। ईरान के बड़े बड़े जंगजू और मशहूर शमशीरजन इस लश्कर में शामिल हैं। वो अरबों को इराक से निकालने की कस्में खा चुके हैं। मुकाबला बेहद सख्त है। आप भी अरब के शुजा भेजकर हमारी मदद करें। अगरचे ये मुकाबला बड़ा शदीद है, मगर खुदा ने चाहा तो हम सुर्ख रू होंगे और इसके बाद मदाइन पर हमला का रास्ता खुल जाएगा। हजरत खलीफा सानी रजी अल्लाह ताला अन्हों ने उसी वक्त असहाब से मशवरा किया और अरब भर में मुनादी करा दी कि ईरानी फौज से मुकाबला के लिए जो बहादुर जाना चाहें वो फौरन मदीना मुनवरा पहुंच जाएं। हज के अयाम करीब आ रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ऐलान करके हज को चले गए। वापिस आए तो मुजाहिदीन जौक दर जौक मदीना मुनवरा के गिर्द जमा थे। उन्हें देखकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हों खुश हुए और ये दुआ फरमाई, इलाही ये तेरे बंदे तेरी रजा के लिए आए हैं। इनके जोशे जिहाद में इजाफा फरमा, इनका हामियों नासिर हो और इन्हें अपनी नेमतों से नवाज। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का इरादा था कि इराक का ये बड़ा मारेका आप खुद सर करें और सालार बनकर जिहाद में शरीक हों, मगर सुहाबा रजी अल्लाह अन्हुमा ने मना किया कि जंग का एतबार नहीं, अगर आप जिहाद के लिए चले गए तो कारोबार हुकूमत में खलल आएगा और मुजाहिदीन की मदद के लिए मजीद लश्कर कौन भेजेगा, इसलिए आप मदीना में बैठकर इस मारेका को अंजाम दें। अब सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर सालारे लश्कर किसे मुकर्रर किया जाए। बड़ी सोच विचार के बाद हजरत साद बिन अबी वकास के नाम कुर्रा पड़ा। हजरत साद बिन अबी वकास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननहाल में से थे। आप उन्हें मामू कहकर पुकारा करते थे। वो अशरा मुबशरा में भी शामिल थे और इस्लाम में पहला तीर चलाने की सआदत भी उन्हें ही हासिल थी। वो बड़े बहादुर और जंगी तदाबीर में माहिर थे। कई मारकों में नाम पैदा कर चुके थे और शेर अरब मशहूर थे। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त सरकारी खिदमत पर मुतायन थे। उन्हें बुलाया गया और इराक की मुहिम उनके सपुर्द कर दी गई। उन्होंने सर तस्लीम खम किया, 4,000 का लश्कर तैयार किया, उसे साथ लिया और इराक को चल दिए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रुखसत होते वक्त फरमाया, साद मुसलमानों का ये लश्कर तुम्हारे सपुर्द है, इनकी हिफाजत तुम्हारे जिम्मा है। अरकान इस्लाम को किसी भी वक्त ना भूलना, खुदा पर मुकम्मल भरोसा करना, उससे डरते रहना, अपने नसब पर गुरूर ना करना, क्योंकि खुदाए ताला के हाँ सिर्फ आमाल देखे जाते हैं।
जिसके आमाल अच्छे हैं वही अच्छा है। हजरत साद रजी अल्लाह ताला उन्होंने मदीना से कूच किया, रेगिस्तान अरब को तय किया, शराफ में पहुंचकर कयाम किया। यही मसना रजी अल्लाह ताला अन्हों के सिपाही उनसे आ मिले। अब उनका सरदार मसना का भाई माना था। मसना खुदा को प्यारे हो चुके थे और लश्कर की कमान अपने भाई के स्पुर्द कर गए थे। मसना रजी अल्लाह ताला अन्हों बड़े मुदब्बर जर्नैल थे। पुल की लड़ाई में उन्होंने जख्म खाया था, वो अभी भरा भी नहीं था कि बुएब का मारका पेश आ गया। मुजाहिद ने जख्म की परवाह न की, खुदा की खुशनूदी और रजामंदी को निगाह में रखा। दादे शुजात देता और अपने शहीदों का इंतकाम लेता रहा। जख्म फिर से ताजा हो गया। आखिर बुखार आने लगा जिसने उनकी जान ले ली। माना रजी अल्लाह ताला उन्होंने हजरत साद से कहा, मसना की वसीयत ये है कि अरबी लश्कर का सरदार अरब के रेगजार के किनारे अपना लश्कर उतारे और इसी जगह दुश्मन का मुकाबला करे, ताकि एक तो उसकी मदद का रास्ता बंद ना हो जाए, दूसरे अगर खुदा न खास्ता शिकस्त हो जाए तो इस्लामी सिपाही रेगिस्तान में पीछे हट सकें, जहां ईरानी सिपाह उनका ताकुब नहीं कर सकेगी और वो ताजा दम होकर फिर से हमला कर सकेंगे। हजरत साद रजी अल्लाह ताला उन्होंने मसना के लिए दुआए मगफिरत मांगी और कहा, काश आज मसना मेरा दस्तो बाजू होता और हम दोनों मिलकर खुदा के रास्ते में जान इसारी करते। इस्लामी लश्कर में इस वक्त 30,000 मुजाहिद शामिल थे। इराक में इससे पहले कभी इतनी तादाद में लश्करी न थे। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो अभी शराफ में ही मुकीम थे कि हजरत उमर का खत पहुंचा, जिसमें शराफ की बजाय कादसिया में क्याम की हिदायत थी। चुनाचे हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो कादसिया में आ गए। ये शहर इराक का दरवाजा शुमार होता था। इसकी जमीन पथरीली थी, जा बजा पानी के चश्मे उबलते थे, जिनके बाइस यहाँ की सरजमीन सरसब्जो शादाब थी। सामने खुला मैदान था और पीछे कुछ फासला पर पहाड़ थे, उनके अकब में अरब का रेगिस्तान था। हजरत साद रजी अल्लाह ताला उन्होंने लश्कर को कंपनियों में तकसीम किया, 10-10 कंपनियों की एक पलटन बनाई और हर पलटन में आजमूदा कार अफसर मुकर्रर किए। फिर उन्हें दस्तों में तकसीम किया, मुमताज सहाबी रजी अल्लाह अन्हुमा अफसर बनाए, औरतों और बच्चों को गदेब में पहुंचाया और एक दस्ता निगरानी पर मुकर्रर फरमाया। उन्हीं दिनों हजरत खलीफा सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु का हुक्म पहुंचा कि एक वफद दरबारे ईरान में भेजो और दुश्मन के हालात की जुस्तजू करते रहो, ताकि वो तुम पर अचानक हमला न कर सके। सालारे इस्लाम पहले ही मुहतात थे, अब और ज्यादा एहतियात करने लगे। इर्द गिर्द के इलाकों में अपने मुखबिर भेज दिए और दरबार ईरान में एक वफद रवाना कर दिया, जिसमें साना बिन हारिस, मुहीरा बिन शाबा, नुमान बिन मुकर्रम, हासिम बिन उमर तमीमी और अदी बिन सुहैल रजी अल्लाह ताला अन्हुमा शामिल थे। सफीर मदाइन पहुंचे, शाही महल के करीब आए। मुजाहिद सादगी की तस्वीर थे, मोटे जूटे कपड़े, सुर्खो सफेद चेहरे, मुंह पर दाढ़ियां, माथे पर सजदों के निशानात। ईरानी देखते थे और हैरान होकर कहते थे, क्या यही अरब हैं जिन्होंने ईरानी हुकूमत को हिला दिया है, मेहरान जैसे सरदारों को मौत की नींद सुला दिया है, इराक पर कब्जा जमा लिया है। चौबदारों ने यजदगर्द को इतला दी तो उसने अंदर बुला लिया। अहले दरबार ने उनकी सादगी देखी तो हकारत से मुंह फेर लिया। ईरानी दरबार में बड़ा गुरूर था, बड़ा ठाठ बाठ था। सुनहरी तख्त पर यजदगर सुनहरी लिबास पहने बैठा था, खुद्दाम जर्क बर्क लिबास में मलबूस थे, दरबारी सुनहरी कुर्सियों पर बैठे थे, रेशम और जरबख्त के लिबास थे। महल में हर तरफ जगमगाहट रकसां थी। सफीरों ने दरबार की इस शानो शौकत की परवाह न की, बल्कि एक दूसरे से कहने लगे कि ये औरतों का लिबास पहनकर कुर्सियों पर बैठने वाले क्या लड़ेंगे। यजदगर्द ने सफीरों से मुखातिब होकर कहा, भूखी कौम के नादार सफीरों, तुम वही तो हो जो टिड्डी और छिपकलियां खाते, जौ चबाते और खजूरें निगला करते थे। तुम्हारे अरब यहाँ आते थे और पेट भर कर खाना खाते थे, नमकीन पानी की बजाय यहाँ उन्हें मीठा पानी मुयस्सर होता था। अब तुम यहाँ अड्डा ही जमा बैठे हो और हमसे हमारी जमीन, हमारे खेत, हमारे बागात और उनके मेवाजात छीनने की कोशिश में मसरूफ हो। याद रखो, हम इस जुर्रत और बेबाकी को माफ नहीं कर सकते। यहाँ से भाग जाओ, वरना इस तरह भगा दिए जाओगे जिस तरह शेर की आमद से भेड़ें भागती हैं।
हमने तुम्हारी अब तक की खताएं माफ की, तुम्हारी गुस्ताखियां बख्श दी। अपने सरदार से कहो कि हम तुम्हें इतना गल्ला देंगे कि तुम्हारे सारे ऊंट लद जाएंगे। गल्ला लेकर वापस चले जाओ और अपने भूखे भाई बंदों को खिलाओ, उनके पेट भरो, उन्हें आराम पहुंचाओ और फिर कभी इधर न आना। हजरत मुगीरा रजी अल्लाह ताला उन्होंने जवाब दिया, ए बादशाह, जो कुछ तूने कहा बजा और दुरुस्त है। हम में इससे भी ज्यादा बुराइयां थीं। हम में कोई चीज हराम न थी। हम शराब के जाम लुंठाते थे, खम के खम चढ़ाते थे, जुआ खेलते थे, जना करते थे, चोरी मक्कारी और दगाबारी को ऐब नहीं जानते थे, आपस में लड़ते और एक दूसरे का गला काटते थे, बुतों को पूजते और उन्हें अपना हाजत रवा समझते थे। हमारे यहाँ औरतें खिलौना थी, मगर खुदा ने हमारी इस हालत पर रहम किया और हम में एक नबी पैदा कर दिया जिसने हमसे तमाम बुराइयां दूर कर दी, हमें नेकी और पाकीजगी का रास्ता दिखाया, हराम और हलाल की तमीज बताई, हमें आपस में भाई भाई बना दिया। अब हम में कोई भूखा नहीं है, हमारे सीने नूरे ईमान से मुनव्वर हैं और यही नूर हम आप तक पहुंचाने आए हैं। आप इस्लाम कबूल करें, नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएं और हमारे भाई बन जाएं। हम वादा करते हैं कि एक अरब भी आपकी इजाजत के बगैर यहाँ कदम नहीं रखेगा। अगर ये मंजूर ना हो तो हमारी हिफाजत में आ जाएं। अपने मजहब पर कायम रहें, जिजिया अदा करें, कोई मुसलमान कभी आपके मजहबी उमूर में मुदाखलत नहीं करेगा। अगर आपको ये भी पसंद नहीं तो फिर तलवार हम में और तुम में फैसला कर देगी। यजदगर ये बातें सुनकर झल्ला गया, माथे पर तेवरी पड़ गई, भमें ऊपर को चढ़ गई, चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो बोला, भूखे नंगे अरबों का ये हौसला, शहंशाह ईरान के सामने ऐसी गुफ्तगू, ऐसी बेबाकी। अगर सफीरों का कत्ल मायूब ना होता तो अभी तुम्हारे सर तन से जुदा कर दिए जाते। अभी मेरे सामने से दूर हो जाओ, यहाँ से भाग जाओ, पीछे मुड़कर ना देखो। अपने सरदार से कह दो ईरान तुम्हारी गुस्ताखियों की सजा बहुत जल्द दे कर रहेगा। फिर उसने अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि मट्टी का टोकरा लाओ और इनके सर पर रख दो ताकि ईरान की खाक उनके सर में पड़ जाए। उसी वक्त मट्टी का टोकरा लाया गया, सफीरों ने उसे उठाया और उड़कर इस्लामी कैंप में पहुंच गए। टोकरा हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हों के सामने पेश किया और कहा, शाह ईरान ने अपना मुल्क खुद आपके सामने पेश कर दिया है, आपको मुबारक हो। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने जवाब दिया, जिस तरह ये मट्टी हम तक पहुंच गई है, इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नामा मुबारक शाह ईरान को भेजा था और दावत इस्लाम दी थी तो शाह ईरान ने आपका नामा मुबारक चाक कर दिया था, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ईरानियों की सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर देगा और किसरा के खजानों की चाबियां मुसलमानों को अता करेगा। अब इस पेशगोई के पूरा होने का वक्त आन पहुंचा है। रुस्तम सिपा सालार था, कौम को उस पर एतबार था, लेकिन वो अपने अहाम के हाथों गिरफ्तार था। उसने अपने नजूमियों को बुलवाया, अपना सितारा निकलवाया, जवाब ये पाया कि वो इस जंग में हारेगा और पूरे मुल्क को कौम के लिए बाईस हजीमत होगा। रुस्तम चाहता था कि किसी तरह ये जंग टल जाए और बात भी रह जाए। उसने देर ही को बहुत समझा, वो दिन गुजार रहा था कि जिजतगर्द का ताकीदी हुक्म पहुंचा, फौरन जंगी महाज कायम करो और अरबों को मुल्क से निकाल दो। नाचार रुस्तम ने कादसिया की राह ली, अपने साथ 1,60,000 सिपाह ली। मदाइन से कादसिया 4 दिन का रास्ता था जिसे रुस्तम ने 4 माह में तय किया। ईरानी फौज शराब की बदमस्तियां फैलाती रियाया को कोसती, ऐशो इशरत के दरिया में नहाती कादसिया पहुंची तो मदाइन से कादसिया तक के आमो खास की चीखें निकल गईं। रुस्तम अपनी सिपा सालारी के मजे लेता दादे ऐश देता दरियाए फुरात पर उतरा और वहीं जम कर बैठ गया। उसकी फौज के आगे 30 जंगी हाथी थे और सोने चांदी से लदी हुई खच्चरें, ताकि अपने बहादुरों को इनामात देता और उनके दिल बढ़ाता जाए। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो कादसिया के मैदान में डेरा डाले हुए थे। उस मैदान में एक पुराना कला था जिसे उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। सामने नहरे अतीक और दरियाए फुरात था। रुस्तम की ख्वाहिश थी कि इस्लामी लश्कर दरिया पार करके इधर आए,
मगर हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह से ना हिले। आखिर रुस्तम के पास इस्लामी सिफारत पहुंची और उसे दावत इस्लाम दी। हजरत मुगीरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार पर मयान की बजाय चीथड़े लिपटे हुए थे। रुस्तम ने तंजन चीथड़ों की तलवार का मजाक उड़ाया। हजरत मुगीरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मेरी तलवार का लिबास ही यही है मगर इसका काट बेपनाह है। रुस्तम खामोश हो गया और थोड़ी देर के बाद बोला, मतलब की बात कहो। हजरत मुगीरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इस्लाम गिजिया और तलवार में से जो चाहो पसंद कर लो। रुस्तम तैश में आ गया, कहने लगा, 30,000 लश्कर पर इतना गुरूर, मेरे मातहत तुमसे 5 गुना लश्कर है, मैदान में निकलो तुम्हें अभी पीस कर रख देंगे। सिफारत नाकाम वापस लौटी, जंग की तैयारियों में और इजाफा हो गया, मगर दोनों लश्कर अपनी अपनी जगह पर मुकीम रहे। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने लश्कर की सख्त निगरानी करते थे। रातों को छुप छुप कर लश्कर में चक्कर लगाते और देखते कि कहीं कोई अमर इस्लाम के खिलाफ तो नहीं हो रहा। दिन रात खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते थे। आयाते जिहाद तिलावत की जाती थी, बाजमात नमाजें अदा होती थी और खुदा के खौफ के सिवा किसी खतरा को मुजाहिदीन तक आने की राह न थी। एक रात आप गश्त कर रहे थे कि एक तरफ से गाने की आवाज आई। उधर लपके तो देखा कि अबू मोहसिन सकफी शराब की तारीफ में शेर गा रहा है। आपने उसे आवाज दी, वो डरा हुआ आया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु उसे अपने साथ लाए और कला में कैद कर दिया। रुस्तम लड़ाई शुरू करने में ताखीर और लड़ाई को टालने की तदाबीर में मसरूफ था कि शाह ईरान ने उसे तंबीह की कि फौरन लड़ाई शुरू करे और अरबों को मार मार कर इराक से निकाल दे। अब रुस्तम मजबूर था, उसकी फौज भी खाली बैठे बैठे उकता गई थी। नाचार उसने फुरात को अबूर किया और नहरे अतीक के मशरकी किनारे पर पड़ाव डाल दिया। एक टीले पर चढ़ा, इर्द गिर्द का जायजा लिया, देखा कि मुसलमान सिपाही नहर के पुल की हिफाजत कर रहे हैं। उसने हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम भेजा कि या तुम नहर अबूर करो या हमें अबूर करने दो। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि तुम ही इस बार आ जाओ मगर पुल की हिफाजत होती रहेगी। रुस्तम ने पुल से कुछ दूर नहर में इतनी मट्टी डलवा दी कि रास्ता बन गया और वो अपने लश्कर समेत नहर के मगरबी किनारे उतर आया। साथ ही उसने ये इंतजाम भी कर लिया कि मैदान जंग से मदाइन तक महाज की खबरें फौरन दरबार तक पहुंचती रहें। इस इंतजाम से फरागत पाकर रुस्तम ने अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त की। हरमजान, फिरोजान और बहमन नामी बहादुरों को मैमना, मैसरा और कलब में मुतायन किया। 18 हाथी कलब में रखे, बाकी 12 मैमना और मैसरा में तकसीम कर दिए। हाथी क्या थे, लोहे के पहाड़ थे, तारीकी के अंबार थे, उन पर तीर अंदाज सवार थे। अरबों के लिए ये नई बला थी, वो इन टैंकों का तोड़ नहीं जानते थे। हाथियों के पीछे प्यादा और सवार फौजों के दस्ते थे। अपनी फौज की सफ़े मुरतब करके रुस्तम पीछे हट गया, एक बुलंद टीले पर शामियाना लगाया, सुनहरी तख्त बिछाया, सामने दरफश कादियानी नसब किया। ये वो झंडा था जिसने आज तक शिकस्त का मुंह नहीं देखा था। तख्त पर बैठा और जंग का नजारा करने लगा। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो बीमार थे, उनके लिए घोड़े पर बैठना मुमकिन नहीं था। उन्होंने कला की फसील पर क्याम किया ताकि मैदान जंग में फौजों को लड़ा सके। लश्कर तक हिदायत पहुंचाने के लिए कासिद मुकर्रर कर दिए जो फौज के सरदारों तक उनके अहकाम पहुंचाते थे। इस्लामी लश्कर ने भी अपनी सफ़ें तरतीब दी, मैमना, मैसरा और कलब दुरुस्त किया। मुजाहिदीन ने हथियार संभाले, हमला के लिए तैयार हो गए। हजरत साद रजी अल्लाह ताला उन्होंने हुक्म भेजा कि जब तक 3 तकबीरें मुकम्मल ना हो जाएं कोई मुजाहिद अपनी जगह से ना हिले। पहली तकबीर पर हथियार सीधे कर लो, दूसरी पर तैयार हो जाओ और तीसरी पर दुश्मन से टकरा जाओ। दिन ढल गया, नमाज जहर अदा हुई, फसील से अल्लाह अकबर की सदा गूंजी। मुजाहिदीन ने अपने हथियार सीधे कर लिए। उसी वक्त ईरानी लश्कर हमला के लिए दौड़ पड़ा। आसिम बिन उमर तमीमी ने मौका की नजाकत देखी, घोड़ा आगे बढ़ाया, दोनों लश्करों के दरमियान खड़े होकर पुकारा, कौन बहादुर मैदान में आता है? आए और एक मुजाहिद से आंखें लड़ाए, तलवार के हाथ देखे और दिखाए। ईरानी लश्कर रुक गया। एक जिरह पोश ईरानी पहलवान अपनी सफों से निकला और आसिम के करीब आकर ललकारा।
रेगिस्तान के गीदड़ शेर का वार संभाल। दोनों बहादुर एक दूसरे के मुकाबिल हुए। ईरानी तलवार चमकी और आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हो को काटने के लिए बढ़ी। मुजाहिद ने वार खाली कर दिया, घोड़े को फिराया, पलट कर हमला किया। ईरानी ने ढाल पर वार रोकना चाहा, मगर रोक ना सका। तलवार ने ढाल को काटा, ढाल से फिसली तो गर्दन पर जा पड़ी। आंख झपकने से पहले ईरानी का सर कटकर एक तरफ जा पड़ा। मुजाहिद ने उसका घोड़ा हंकाया और अपने लश्कर में ले आया। आसिम के मैदान से हटते ही एक और नामी ईरानी पहलवान मैदान में आ पहुंचा और ललकारा, जन्नत के आरजू मंदो, आओ तुम्हें जन्नत के रास्ते पर डाल दूं। उमर बिन मादी करब मैदान में बढ़ा। ईरानी ने तीर चलाया, उमर ने तीर को तलवार से काट दिया। ईरानी दूसरा तीर कमान में चढ़ा रहा था कि उमर ने अपने घोड़े को एड़ लगाई। पलक झपकने में ईरानी के सर पर थे। जाते ही उसे कमरबंद से पकड़ा, घोड़े से उठाया और अपने आगे बिठाया और अपने लश्कर में ले आया। मुजाहिदीन की ये ताकत और फुर्ती देखकर ईरानी घबराए। रुस्तम डरा के फौजी छोड़ बैठेगी। हरमजान को हुक्म दिया कि इनफरादी लड़ाई बंद करो और पूरी फौज से भरपूर हमला कर दो। ये हुक्म मिलते ही ईरानियों ने हाथियों को आगे बढ़ाया। इन काली बलाओं को देखकर अरबों के घोड़े डरे और पीछे को हटने लगे। नाचार घोड़ों को छोड़ा और प्यादा हाथियों के मुकाबले आ गए। हाथी और आदमी का मुकाबला था। हाथियों ने मुजाहिदीन को रौंदना शुरू किया। मुजाहिद घबरा गए। हजरत साद रजी अल्लाह ताला उन्होंने फसील से देखा। आसिम को कहला भेजा, अरब की शुजात दिखाओ, ईमान की ताकत आजमाओ और इन हाथियों से भाइयों को निजात दिलाओ। सरदार का हुक्म सुनते ही आसिम तीर अंदाजों को लेकर बढ़ा। फील बानों पर तीर बरसाए, तीर अंदाजों को जख्म पहुंचाए, मगर हाथी बढ़ते ही आ रहे थे। आसिम रजी अल्लाह ताला उन्होंने जान पर खेल जाना चाहा। अपने दस्ते को लेकर हाथियों पर हमला कर दिया, उनके तंग काटे और सवारों को कत्ल किया। फिर नेजों की नोकों से हाथियों को छेदा। वो चिंघाड़ते हुए पीछे को भागे और अपनी ही फौज को रौंदते हुए नहर पर जा पहुंचे। इधर हाथी भागे, उधर मुजाहिद बढ़े। तलवार तलवार से टकराई, खून की नदियां बह निकली। दुश्मन पीछे हटा, मुजाहिद आगे बढ़े। आफ्ताब ये रंग देखकर मगरिब में जा छुपा। मैदान पर तारीकी मुसल्लत हो गई। दोस्त दुश्मन की तमीज न रही। नाचार दोनों लश्कर एक दूसरे से जुदा होकर अपने अपने कैंप में चले गए। लाशें मैदान में रह गईं, जिन पर रात ने अपनी स्याह चादर डाल दी। ये जंगे कादसिया का पहला दिन था। आज की जंग में 2000 मुजाहिद शहादत से सरफराज हुए और 10,000 ईरानी कत्ल हुए। हजरत साद रजी अल्लाह ताला उन्होंने हुक्म दिया कि कल सूखी घास के गट्ठे लाए जाएं, ताकि हाथियों से निपटने का सामान किया जाए। मुजाहिदीन ने नमाज पढ़ी, खुदा से फतह और नुसरत की दुआ मांगी। दिन भर के थके मांदे तो थे ही, लेटे और नींद की आगोश में जा पहुंचे। मुहाफिज दस्ते लश्कर की निगहबानी का फर्ज अंजाम देने लगे। मशहूर इस्लामी जंगों पर सीरीज की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक इन्फो को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जिंदगी रही तो जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।